अभी मैं हूँ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो बनाया है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में ये इमारत, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। अभी मेट्रो से उतरा हूँ और अभी पैदल, देखिए यहाँ मुंबई में भी जो हीरा बाज़ार वगैरह है उसमें भी ऐसे ही भीड़ एक साथ उतरती है और रोड क्रॉस करती है, मुंबई में भी वैसे ही, दुबई में भी। ये सामने ये स्टेशन है, देखो मेट्रो आ रही है, मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो आ रही है अभी अंदर, अभी देखिए कैसे दाखिल हो रही है अंदर, देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है। सामने जो दिख रहा है यही है द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इसमें बताया गया है कि आगे की दुनिया कैसी होगी, कैसे लोग सफ़र करेंगे। मुझे वीडियो बनाने में डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ जो है ना पुलिस कभी अगर पूछ ले भाई तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और मैं काबिले एतराज हालत में जो है ना रोड क्रॉस कर रहा था, वीडियो बनाने के लिए बेकरारी थी मेरे अंदर। देखिए ब्रिज के नीचे आया हूँ मैं अभी, देखिए कैसे मैं बहुत घुमा करके गया था, मुझे मालूम था नहीं, और कम पैसा खर्च हो इसके लिए मैं मेट्रो से उतर करके उल्टे साइड से मैं दाखिल हुआ था। हालांकि ये जो सामने देख रहे हैं यहीं से दाखिल होने का है, इंट्री है, और बैक साइड से भी इंट्री है, तो मैं बैक साइड से आया था क्योंकि मैं उल्टे साइड से आ रहा था। अगर उस इस इमारत के पीछे वाले स्टेशन से उतरता तो फ्रंट वाला रास्ता मुझे मिलता। ये देखिए ये अंडरग्राउंड रास्ता, देखिए कितना खूबसूरत हो इमारत देख सकते हैं, वो माशाल्लाह। अभी मैं अंदर की तरफ जाने वाला हूँ। सफाई दुबई में और अबू धाबी में और पूरे यूएई में कमाल का है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई है और पूरी नज़र रखती है गवर्नमेंट और पुलिस सफाई कर्मियों पे, और आप थूक नहीं सकते कहीं पे, सिगरेट का कश भी नहीं गिरा सकते कहीं पे, इतना पावरफुल वहाँ का सिक्योरिटी है, कैमरा है, फौरन फाइन लगता है, तो सफाई इसीलिए इतनी ज़्यादा है। इंडिया में लोग थूक रहा है, मूत रहा है, जो भी कर रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, मतलब पेशाब भी कर लेते हैं कहीं पे भी खड़े होकर के, वहाँ ऐसा नहीं है, बहुत ख्याल रखते हैं। आप अगर एक बॉटल अगर आपके हाथ में है तो आप उसको पी नहीं सकते हैं क्योंकि फ़ाइन लगता है, पियेंगे दूसरे को पानी गिर गया बदन पे, फिर वो एतराज करेगा, फिर आपसे बाताबाती होगा, फिर लफड़ा झगड़ा होने का डर रहता है, तो वहाँ पर पाबंदी है। बस में और मेट्रो में आप बॉटल निकाल करके पानी नहीं पी सकते, आपको पीना है पानी पी करके अकेले में आइए, और सफ़र उफर में पानी पीने का अलाउड नहीं है वहाँ। मैं वहाँ गया था तो मेरे दोस्तों ने ख़ास तौर से मुझे ताकीद की थी कि कहीं पे लफड़ा हो, झगड़ा हो, एक्सीडेंट हो, आपको रुकना नहीं है, आप चुपचाप जहाँ जा रहे हैं जाइए और आइए, वहाँ पर रुकिए नहीं, किसी को टोकिए नहीं, ना किसी को अच्छा बोलिए ना बुरा बोलिए, और सफ़र में आप निकल रहे हैं तो पहले समझाया गया था कि पानी आप पीना नहीं लोकल में और बस में, फौरन फ़ाइन लगेगा। अच्छा लेडीज़ सीट पे अगर बैठ गया उसमें भी फ़ाइन लगेगा, मैं एक बार तो उल्टे साइड से मैं लेडीज़ सीट पे बैठ गया, अब जब बैठा तो सब लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, मुझे क्या मालूम भाई मैं लेडीज़ सीट पे बैठ गया हूँ, कोई लिखा भी नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया, और लड़की बाजू में बैठी थी वो भी नहीं बोली, कह रहे सर आप लेडीज़ सीट पे बैठ गए हो, तो वहाँ का कर्मचारी जो बस में था वही मुझे इशारा किया, और पब्लिक बैठी थी वो मुझे बोल नहीं रही है कुछ भी कि भाई आप क्यों बैठे हो वहाँ पे, क्योंकि भाई पब्लिक बोलता ही नहीं है वहाँ किसी को, आप अच्छा करो बुरा करो कोई किसी को आपको टोकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का वहाँ पे लॉ है भाई, किसी को टोक टाक नहीं कर सकते आप। तो फिर मुझे उसने बुलाया, बोले भाई आप नए आए हो क्या, बोले हाँ भाई पहली बार मैं आया हूँ और पहली बार बस में सफ़र कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, तो बोला कि आप लेडीज़ सीट पे बैठ गए थे, अच्छा हुआ कि मैंने बोल दिया, नहीं तो आपको फ़ाइन लग जाता अभी। और वहाँ मतलब ऑफिसर लोग बस में कंटिन्यू, मैं जिस बस में भी बैठा हर बस में उसके ऑफिसर लोग आते थे, सीनियर लोग, चेक करने के लिए कि भाई आपने मतलब आपके कार्ड को स्कैन किया है कि नहीं किया है, बस में आप एंट्री करेंगे तो स्कैनर लगा रहता है,
तो मतलब इतना बेहतरीन तौर तरीका है वहाँ पे, आपको कोई टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं, आप किसी से पूछेंगे आपको जवाब दे देगा, गलत जवाब भी नहीं देगा, नहीं मालूम रहेगा, बोलेगा भाई मुझे नहीं मालूम है। ज़्यादातर लोग बाहर ही के हैं वहाँ, बस अपने रूट से काम रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा खबर रखते हैं, इल्म किसी को रहता नहीं है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये देखिए, मैं आपको टॉपिक भटका दिया था, देखिए कितना खूबसूरत बनाया, पूरी इमारत में अरबी में लिखा हुआ है, पूरी इमारत में। जैसे मैं दाखिल हुआ अंदर, देखिए ये ऊपर कैप्सूल टाइप का जो है, लिफ्ट का जो है ना, ऊपर से आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा डालूंगा, बहुत सारे कंट्री जाना अभी बाकी है इंशाल्लाह, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इससे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने में, सिर्फ मेरा ये है कि मेरी हिम्मत अफजाई होगी। दाखिल हुआ तो देखा कि रोबोट भी घूम रहे हैं भाई साहब, घोड़े हैं रोबोट, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, फुदक रहे हैं, बच्चों से मस्ती कर रहे हैं। देखिए ये रोबोट, ये देखिए, देखिए रोबोट सबका मनोरंजन कर रहा है। इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे, इतनी पब्लिक, इतनी लंबी लाइन लगी थी, मैं अंदर जाना चाह रहा था ऊपर भी, लेकिन इतना लंबा लाइन और ऊपर से शायद मेरे ख्याल से 150-200 दिरहम उसका फीस था, 4-5 हज़ार रुपया। मैं बोला कि नहीं भाई, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं घूमने आया हूँ और मैं वीडियो ही बनाता हूँ, मैं इतना पैसा तो खर्च कर नहीं सकता। तो मैं ये सब चीज़ मैं रिकॉर्ड किया और मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ। देखिए ये रोबोट, ऊपर जब मछली फ्लाई कर रहा है सर के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एक जरा भी बोर नहीं हुआ यहाँ पे जितना देर था। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर, चूँकि मुझे अबू धाबी से आया था मैं, तो अभी अबू धाबी भी जाना था, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा लग जाता था वहाँ पे दुबई से अबू धाबी जाने में। तो मैं फिर वहाँ से निकलने के लिए फिर तैयारी किया। देखिए ऊपर उड़ रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है, पब्लिक पूरा देख। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़, लाइक करने में नुकसान नहीं है कुछ, मेरी हिम्मत अफजाई होगी और वीडियो भी लॉन्ग चलेगा, लंबा चलेगा, लोग देखेंगे। फिर वीडियो मेरा वायरल करवाइए आप लोग देख देख करके, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए प्लीज़।
आप लोगों को थोड़ा फ्रंट साइड से भी दिखा देता हूँ। चलते हैं फ्रंट साइड, देखिए फ्रंट साइड तो कैसा है। ये विक्ट्री का एक हाथ का निशान बनाया हुआ है। ये मेट्रो ब्रिज के जस्ट बाजू में ही है, ये रोड जस्ट बाजू में है। देखिए मेट्रो जा रही है। इमारत सब अब देखिए कितना साफ सुथरा खूबसूरत, और लगता है कि पूरा नया नया बिल्डिंग सब बना करके वहाँ पे डाल दिया है। एक भी बिल्डिंग पुरानी नहीं है वहाँ पे, पूरा प्लानिंग के तहत पूरी बिल्डिंग ने नई नई बनाया है और बहुत खूबसूरत है। बस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आदमी मज़ा ले रहा है, देखिए वीडियोग्राफी कर रहा है, लड़कियाँ भी हैं। ये देखिए मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ अपना, और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।